हेलो नमस्कार वणक्कम। चैप्टर नंबर 3 कॉल्ड नंबर प्ले। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये शायद मैं 2 या 3 पार्ट में करूंगा, शायद 2 पार्ट्स में हो जाएगा। देखते हैं कैसे जाता है। इट्स अ फैसिनेटिंग थिंग। आपने कभी जब नंबर को आप देखते हैं, कभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी गाड़ी का नंबर है, लेट्स टेक रैंडम एग्जाम्पल 5125। ओके, ये आपकी गाड़ी का नंबर है। क्या आपने कभी आपका माइंड में ऐसे जाता है कि 5 + 1 + 2 + 5 करूं 13, 3 + 1 4। ओके, दैट्स हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। ओके, नंबर और रादर न्यूमरोलॉजी वर्क्स। सो लोगों में एक टेंडेंसी होती है नंबर को जोड़ने की, एंड दैट्स व्हाट दिस एंटायर चैप्टर इज ऑल अबाउट। तो काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, मजा आएगा पढ़ने में। तो नोटबुक और पेन जरूर रख लो, बिकॉज काफी कुछ समझने को भी इस चैप्टर में रहेगा। तो शुरुआत करने से पहले बेसिकली थ्योरी क्या है कि नंबर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आपके आधार कार्ड का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट, आपके घर का एड्रेस, राइट, आपके बस रूट का नंबर, यू नो, स्कूल बस नंबर 6, स्कूल बस नंबर 8, स्कूल बस नंबर 5, राइट। सो हर चीज के लिए नंबरिंग से होते हैं। We say, oh, I want to make 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, right? So everything we count, and counting में obviously numbers की जरूरत पड़ती है. So we have used numbers to count and applied the basic operations of addition, subtraction, multiplication, division, etc. So इस chapter में हम numbers की बात करेंगे. Okay, number क्या है? That's what we will be talking about. और किस अलग-अलग तरीके से numbers का इस्तेमाल हमारी रोजाना जिंदगी में, इन आवर डेली लाइफ, हाउ इट इज यूज्ड, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो पहला 3.1 में क्या है? ये यहां पर कितने बच्चे हैं? 4 + 4, 8 बच्चे हैं यहाँ पे। दे आर ऑल सेइंग 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 0। ये क्यों कह रहे हैं? व्हाट इज द आइडिया? व्हाट इज इट दैट दे आर डिनोटिंग बाय सेइंग दीज नंबर्स अलाउड? ये सब लोग, ये लड़की कह रही है 0, ये लड़की कह रही है 2, ये लड़का कह रहा है 1। नाउ यू वुड बी वंडर कि यू नो एवरीबडी हैज सो मेनी पीपल अराउंड देम, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? इन दिस केस दे आर इंडिकेटिंग, दे आर गिविंग यू अ हिंट अबाउट देयर रिलेटिव हाइट, यानी कि उनके आसपास जो खड़े हैं उनके मुकाबले में उनकी हाइट कैसी है, राइट? सो इस लड़की के आसपास कोई ऐसा नहीं खड़ा है जिसकी हाइट इससे ज्यादा हो, which is why she is saying 0. That is, there are 0 people whose height is more than me. This girl is shorter than these 2 people. This girl is taller than her, and this boy is also taller than her. Which is why she is saying 2 people are on either side who are taller than me. Why is this boy saying 1? Now you would understand, because ये लड़की इससे taller है, लेकिन ये लड़की इससे छोटी है. तो he is saying 1 person. This girl is also saying 1 person because this yellow shirt boy is shorter, while this pink striped shirt boy is taller. He is saying 0 because he is taller compared to these two. This Sadarji is saying 2 because he is shorter than this boy as well as this girl. This girl is saying 1 because he is shorter than this boy at the end, and he is saying 0 because इसके मुकाबले he is taller. So ये हो गया height का. तो उन्होंने कैसे how have they डिटेल्ड कि हमारा रिलेटिव हाइट कैसा है? विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। ओके, नाउ इसके बारे में और थोड़े से पढ़ते हैं। वी हैव रीअरेंज्ड द चिल्ड्रन नाउ। ओके, सो नाउ इसमें आता है दैट डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट? कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग ए रोल? वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट। ए चाइल्ड सेज 1, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस। नाउ ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। कैन द चिल्ड्रन, I have written it out because कभी-कभी confusion हो जाता है, and I don't want to make any mistake in the thing. So कल बैठ के मैं पूरा बैठ के solve किया. Can the children rearrange themselves so that the children standing at the ends say 2? यानी कि दोनों ends पे जो बच्चे हैं, यानी कि ये वाला बच्चा और ये वाली बच्ची, दोनों 2 कहें, क्या ये possible होगा? ये possible नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? Because इनके आसपास तो सिर्फ एक ही बच्चा है ना। इस बच्चे के आसपास सिर्फ ये पिंक शर्ट वाला बच्चा है, इस लड़की के पास सिर्फ ये ग्रीन शर्ट वाला बच्चा है। सो दे कैन एट बेस्ट से 1 इफ दे आर टॉलर, इफ दे आर नॉट टॉलर दे कैन से 0, दे कैन नेवर से 2. ओके, सो दैट इज द सिचुएशन एज फार एज these two kids are concerned. Next question क्या है? Can we arrange the children in a line so that all would say only zeros? क्या ये पॉसिबल है कि हम इस तरह से बच्चों की हाइट को अरेंज करें, रीअरेंज करें कि सभी बच्चे जीरो कहें इन सेट के साथ, जहां पर हाइट अलग अलग है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? सो नॉट विद दिस सेट. लेकिन अगर आपके पास लेट्स से 5 बच्चे हैं जिनकी हाइट एग्जैक्टली सेम है टू द लास्ट सेंटीमीटर, सभी की हाइट लेट्स से 4 फीट है, लेट्स एज्यूम सभी की हाइट 4 फीट है, तो देन इन दैट केस इट विल बिकम 0 0 0 0. लेकिन इस सेट के साथ ये पॉसिबल नहीं होगा. समझ गए, राइट? थर्ड क्वेश्चन, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? क्या दो बच्चे जो कि साइड बाय साइड में खड़े हैं, क्या दोनों एक ही नंबर कह सकते हैं, इधर 0 या 1 या 2? क्या ये पॉसिबल होगा? नाउ इट वुड बी पॉसिबल अगर यहां पे मैं यहां पे इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा. ओके, नाउ हाउ वुड इट बी पॉसिबल कि आसपास जो खड़े हैं दे से 1 और 1. सो अगर लेट्स से 4 बच्चे हैं, सो दिस इज child number 1, this is child number 2, this is child number 3 and this is child number 4, A B C D. तो in case में this बच्चा will say 1 because this C is taller than D. C will also say 1 because it is taller than D. Okay, we are not talking about 1, but these two at least would be able to, because this is shorter than 1, so it cannot say 2. बट इट इज टॉलर देन डी, सो इट बोथ विल से. सो एडजॉइनिंग के केस में, इस तरह के केस में इट इज पॉसिबल दैट टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग साइड बाय साइड कुड पॉसिबली से द सेम नंबर, प्रोवाइडेड वन ऑफ देम इज राइट एट वन एक्सट्रीम, की एक कोने पर रुका हुआ हो. ओके, सो सी और डी दोनों ही कहेंगे 1 ईच. नाउ मैं बुक में से देखता रहता हूं ताकि वो ईजी हो. आपके पास बुक तो होगी ही, राइट? Now, the fourth question is, there are 5 children in a group, all of different heights. Can they stand such 4 of them say 1 and last one says 0? Why or why not? तो अगर ऐसा है तो they are saying 5 children all of different heights. So 5 children है 1, 2, 3, 4, 5. Okay, A, B, C, D, E. ये 5 बच्चे हैं. All of them. What is the condition said? That all of them are of different heights. Can they stand that 4 of them say 1? So 4 of them will say 1. ये इससे लंबा है 1. ये भी 1 कहेगा, ये भी 1 कहेगा. Okay, ये भी 1 कहेगा. लेकिन और and the last one also will say 0. So the 1 1 1 1 sequence is not possible for the same, because the last one will be 0 and not 1. Sorry, I made a mistake. You know, you get confused to ourselves. तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, तो आप तो कंफ्यूज हो ही सकते हैं, इसीलिए बार बार रिवाइज करने की जरूरत है. ओके, देन इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? वाई और वाई नॉट? 0 1 2 1 0 इज पॉसिबल. ये कैसे पॉसिबल होगा? लेट मी जस्ट इरेज दिस वन. तो 0 1 2 कैसे पॉसिबल होगा? अगर ये वाला, दिस इज ए, this is B, this is C, this is D, and this is E. Okay, so this is shorter than both one, so this will be 2. Agreed? This is taller than this, but shorter than one. This thing, so ये हो गया 1 each, correct? और ये हो गया दोनों 0. तो 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 is पॉसिबल. 0 1 2 1 0 जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है, तो वो 0 1 2 1 0 इज पॉसिबल. 7th क्वेश्चन, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2? तो मैक्सिमम नंबर कितना पॉसिबल हो पाएगा, कितना पॉसिबल होगा, कितने बच्चे 2 बोल सकते हैं? ये भी 2 के होगा. लाइक यू वुड हैव ए केस वेयर टॉल A, छोटा बी, सी, डी, ई. So this one and this one will say 2 because both of them will be shorter than the adjoining adjacent people. So maximum 2 बच्चे 2 बोल सकते हैं, बाकी सब either 1 या 0 बोलेंगे, right? So that would be the case as far as I mean the other ones will most likely अगर इन सबका height ज्यादा है तो they will be saying 0. Okay. So this is as far as the first 7 questions of 3.1 is concerned. Let's now ये हो गए 7 क्वेश्चंस. आई होप देयर इज क्लैरिटी. ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट स्मॉल मिस्टेक जब मैं खुद कंफ्यूज हो गया 0 और 1 के चक्कर में. ओके, सो लेट्स गो अहेड टू 3.2. अब ये क्या चीज है? ये कॉन्सेप्ट है कॉल्ड सुपर सेल्स, और ये सेम हाइट्स को थोड़ा सा आगे ले जा रही है. ओके, जैसे मैंने कहा ये नंबरों के साथ काफी बड़ा खेला होने वाला है. ओके, बंगाली में बोलते हैं ना खेला होने वाला है. सो ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन द टेबल बिलो. व्हाई आर सम नंबर्स कलर्ड इन ग्रीन? Why are they colored? Because जो इनके adjacent वाले numbers हैं उनसे ये number ज्यादा है. 79 is more than both 43 and 75. अब यहाँ पर ज्यादा easily समझ में आएगा, वो height के चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन ये समझ में आ रहा है 79 ज्यादा है. 626, 577 और 345 से ज्यादा है, सही. 29 is more than 28 and 10, correct. 790 same thing. 198 is more than 109. 198 के आसपास कुछ नहीं है, so it doesn't make a difference. 34 के आसपास इस तरफ कुछ नहीं है, यहां पे 28 है, so that's why it's colored in green. So a cell is colored if the number in it is larger than its adjacent cells. 626 is colored as it is larger than 577. ये मैंने बता दिया आपको. तो figure this out. So color or mark the super cells in the table given below. इस टेबल में कौन से सुपर सेल्स हैं जो आपको मिल रहे हैं? ओके, ये आपको ढूंढना है. तो बताइए इसमें से कौन सा है? मेरे को सीधा ये तो दिख गया 8000 वाला. ओके, देन यू कैन दिस वन एंड दिस वन. सो 6828, 9435 ये दोनों नहीं है. लाइक दिस वन इज नॉट लाइक सुपर सेल. ये यहां पे ये बड़ा है लेकिन ये वाला नहीं है बिकॉज 8000 इज बिगर. सो 8000, 9435 एंड 6828. Yes or no? समझ में आ गया? I'm going to go slow so that you understand this very well because this chapter can be highly scoring in the examination, और इसी chapter में आप सबसे ज्यादा गलती भी कर सकते हैं. So ध्यान से इसको समझने की जरूरत है. Fill the table below with only 4-digit numbers such that the super cells are exactly the colored cells. यानी कि हमको यहां पर और यहां पर हमको super cells डालने हैं. Super cells डालने हैं ताकि वो मतलब क्या कि वो दोनों साइड पे यहां पर जो सुपर सेल आएगा वो 5346 से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 5347 होना चाहिए, और यहां पर हमको एक ऐसा नंबर डालना है जो कि 5347 से कम हो. ओके, दैट इज द चैलेंज. सो लेट्स से 5346 राउंड नंबर डाल देते हैं ताकि समझने में आसानी हो. सो लेट्स से आई पुट 5500. ओके, 5500 इज मोर देन दिस, तो मैं इस तरफ 5500 के नेक्स्ट वन ताकि ये इससे भी कम हो, लेकिन मैं एक्चुअली इट कैनॉट बी 5347. वो गलती बिकॉज मैंने यहां नहीं देखा. अभी इसका भी इट शुड बी लेस देन दिस, इट शुड बी एटलीस्ट 1258 से कम. सो लेट्स से टू बी ऑन द सेफर साइड मैं 1100 डाल देता हूं. ओके, तो ये इससे दोनों से ज्यादा है, करेक्ट. ये भी इससे ज्यादा है, तो इस तरफ भी इसको इट शुड बी लेस देन 1258. लेट्स से मैं इसको 1250 कर देता हूं. 1250. ओके, 1250 कर देता हूं. तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई. ओके, लेट्स नाउ कम टू हियर. नाउ हियर दिस वन इज अ सुपर सेल. इसका मतलब इट शुड बी मोर देन 9635. लेट मी गिव मोर, लेट मी से 9900 ताकि काफी गैप रहे, 200 से ज्यादा. नाउ इसके हिसाब से यहां पर 9635 से इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती है. सो लेट्स से यहां पर इसका आई मीन दे आर ऑल गोइंग टू बी छोटा. ओके, एंड लेट मी से यहां पर 3000. तो ये सुपर सेल नहीं होगा बिकॉज ये इससे बड़ा है, ये नहीं होगा बिकॉज ये इससे बड़ा है, ये नहीं होगा बिकॉज ये इससे बड़ा है, राइट. सो ऑल ऑफ देम फुलफिल द कंडीशन, राइट. सो दिस विल बी द वे यू विल हैव टू फिल. तो दिमाग लगाना पड़ेगा. आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन कहां पर फुलफिल हो रहा है। समझ में आ गया? ओके, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल। यूज नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विदाउट रिपीटेशन, कि किसी भी नंबर को आप रिपीट ना करें। तो आपको इस तरह से अरेंज करना है कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल्स मिले। तो इसको किस तरह से आप लिखेंगे? ओके, कुछ सोचा कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका ये होगा, लेट्स टेक राउंड नंबर सो दैट आपको समझने में आसानी हो। लेट्स से 300 यहां पे डाला, ओके, यहां पर 200 डाला, तो आपको एक सुपर सेल मिल गया, सही। यहां पर आपने डाला 400, ओके, यहां पर डाला 100, एक और सुपर सेल मिल गया। आपको ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल बनाने हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन व्हाट यू डू, यू पुट 500 आउट हियर। तो यहां पर एक और सुपर सेल मिल गया बिकॉज यहां पर आपने 250 डाला, ओके, 250 डाला। देन यू पुट 600 हियर, देन यू पुट लेट्स से 550 हियर एंड यू पुट 800 हियर। तो आपको कितने मिले? 1 2 3 4 5। यू गॉट 5 super cells. That's how you would have the thing. So or you could alternate between the highest and the lowest. You could have done it like this also, 900 100, okay, that is another way of doing it. 900 मैंने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के किया है, उस तरह से भी कर सकते हैं। 900 100 800 200 700 300। तो यहां पे अगेन 1 2 3 300, यहां पे 600, then 400, then 500. तो यहां पर भी you will get the same way. तो there are different ways of doing it. यहां पे this would have been the more logical way. यहां पर मैंने थोड़ा दिमाग लगा के alternate करने की कोशिश की है. In both cases we get 5 supercells. तो find out how many supercells are possible for different numbers. अरे 5. Okay. Did you notice any pattern? What is the method to fill a particular table? That you alternate high and low. This is the pattern that you can follow between high and low, because this is not following any particular pattern. ये common sense or logic use करके किया है, right? But the more common way of doing it is that you alternate high, the highest and the lowest, second highest, second lowest, third highest, third lowest. उस तरह से करने से you would be able to do it. Okay? यहाँ तक समझ में आ गया? Shall we move ahead? 6th question. Can you find a supercell without repeating numbers such that there are no supercells? Why or why not? Right? उसमें आप कैसे करेंगे? How would you do something like that? तो उसमें करने का तरीका ये होगा that you make it. In the first thing, socho, by the time I start writing, you should be thinking. You make it 100 first box, then 200, then 300, then 400, then 500. तो आप देखेंगे इसमें कोई भी सुपर सेल पॉसिबल नहीं होगा एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट वन जाके इट विल बी 900, दैट विल बी द ओनली वन विच विल बी अ सुपर सेल, राइट? सो द लास्ट वन विल बी द सुपर सेल, दैट्स द ओनली वन विच इज पॉसिबल। Can you fill a supercell table without repeating numbers such that there are no supercells? So it's not possible because the last one will become a supercell. बाकी 8 sections, boxes will not be supercells. Okay, so that is one thing. Next question पे जाते हैं. Will the cell having the largest number in a table always be a supercell? Will the cell having the largest number will be a supercell? Yes, it will be a supercell in the sense that it will be greater than the adjacent cells, right? It will be greater than the adjacent cells. जो भी नंबर होगा, let's say 900, अगर बीच में डालेंगे तो 400 और 600 के बीच में डालेंगे, तो 400 और 600 के बीच से it will be highest. So अगर वो highest number है, कहीं पर भी डालेंगे, box में किसी भी खाने में डालेंगे, it will be the highest. So at least the greatest number will always be a supercell. Can the cell having the smallest number in a table be a supercell? No, because it cannot be greater than its adjacent cells. वो हो नहीं पाएगा because उसके बाजू में जो नंबर होगा वो उससे ज्यादा नहीं होगा, तो जो छोटा नंबर होगा that can never be a supercell. सबसे बड़ा नंबर supercell जरूर होगा. So that is the condition for question number 7. fill a table such that the cell having the second largest number is not a supercell. Fill a table, fill a table in such a way that the cell having the second largest number, let's look at it like this, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay, 1 लगा लो, okay, इसमें second largest कौन सा है? Is it a supercell? No, it's not a supercell. So even though it's the second largest, it is not a supercell. Okay, ऐसा बोलते हैं accent के साथ. तो ये हो गया इस question का answer कि fill a table such that the cell having the second largest number is not a supercell. Question number 9. Fill a table such that the cell having the second largest number is not a supercell, but the second smallest number is a supercell. Okay, तो इसमें क्या करेंगे? ऐसे ही लगा देते हैं. लेकिन आखिर में कहानी में ट्विस्ट, मैं 1 यहां लगा के 2 यहां लगा दूंगा. इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट तो सुपरसेल नहीं है. सेकंड लार्जेस्ट इज नॉट अ सुपरसेल. हाउएवर द सेकंड स्मॉलेस्ट बिकम्स अ सुपरसेल बिकॉज ये 1 से ज्यादा है, बिकॉज हमने इसका ऑर्डर फेरबदल कर दिया है. 1 और 2 का पोजीशन राइट हैंड कॉर्नर पे चेंज कर दिया है. सो दिस बिकम्स अ सुपरसेल बिकॉज दिस इज मोर देन 1. यस और नो, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो समझ में आ रहा है सर लिखो. एनी डाउट्स प्लीज आस्क, बट दिस आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल सो दैट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए. इसीलिए मैं बैठ के सॉल्व कर दिया ताकि कोई गलती ना हो. ओके, देन यू हैव टू मेक अदर वेरिएशंस एटसेट्रा जब आप अपनी क्लास में करेंगे. ओके, माइक हिट हो रहा है. ओके, नाउ अभी हम इसका टेबल का, लेट्स मूव ए लिटिल फॉरवर्ड एंड थोड़ा और एडवेंचरस बनते रहते हैं. इसमें एडवेंचर बहुत ज्यादा है नंबर्स के साथ. ओके, तो ये हो गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. तो टेबल में हम क्या करेंगे? द नेबरिंग सेल्स आर दोज दैट आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम. यानी कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे ये दैट इज टुवर्ड्स, लेट्स से टुवर्ड्स माय ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ये वाले नहीं, ये वाले नहीं. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नहीं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चारों बॉक्सेस कम वैल्यू के होंगे तभी मुझे सुपरसेल माना जाएगा. ओके, दैट इज द कंडीशन. So the rule remains the same. A cell becomes a supercell if the number in it is greater than all the numbers in the neighboring cells, east, west, north, south. Okay, तो यहां पर 7,500 है. ये supercell कैसे हुआ? Because it is more than 2,430, it is more than 4,795, it is more than 7,350. इसको हम नहीं काउंट करेंगे. मैंने जैसे कहा ना, साइड वाले को नहीं करेंगे. East, west, north, south. Understood? So that is how it is. 8632 को देखो, 82 से ज्यादा है, 47 से ज्यादा है, 19 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा है. लेकिन we are not counting ये वाला, okay? Because then वो काउंट नहीं होता. Same thing goes with this. So अभी यहाँ पर we have to fill in this table. Complete table 2 with 5-digit numbers. ये 4 digit थे, अभी और कॉम्प्लिकेटेड किया है आपके लिए. 5 digit. इस तरह के सवाल आएंगे, आपको बहुत सावधानी से, ध्यान से करना है. जल्दबाजी में 3 के बजाय 2, 3 के 5 के बजाय 6 नहीं लिखना है. Whose digits are 1, 0, 6, 3 and 9? ये 5 digit का ही इस्तेमाल करना है. 1, 0, 6, 3 और 9 किसी भी ऑर्डर में. इट कैन बी 9, 6, 3, 0, 1 या 1, 0, 3, 9, 6 कुछ भी हो सकता है. ओके, इन सम ऑर्डर ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स. सेम पड़ोसियों से उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. ओके, तो यहां पर हम करते हैं. तो यहां पर आई विल राइट इट आउट. आई फिल्ड इट अप सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम इन डूइंग इट. सो लेट्स लुक एट इट. 9 ये सुपरसेल होना चाहिए. तो सुपरसेल का क्या मतलब हुआ कि इससे तो ज्यादा होनी चाहिए. तो यहां पर ऑलरेडी है 9, 6, 3, 0, 1. अभी इसमें 9, 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, 3 से भी ज्यादा नहीं हो सकता. तो ओनली वे इट्स वैल्यू कैन बी मोर इज इफ बी राइट व्हाट. बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे 9, 6, 3, 1, 0. तभी इसकी वैल्यू, इट विल बिकम अ सुपरसेल, तभी इसकी वैल्यू इसके पड़ोसी से ज्यादा होगी। अभी इसकी वैल्यू और कम करनी, इससे कम करनी है। ओके, कम में तो आप 69 से भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स कंटिन्यू विद द सेम दिस थिंग। सो लेट्स मेक इट 96103। ओके, तो इसकी वैल्यू इससे और इससे इसको फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ज्यादा है, लेकिन इन दोनों से इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा पहला सुपर सेल। ओके, अभी दूसरे पे चलते हैं, ये वाले पे चलते हैं। यहां पर हुआ इसकी वैल्यू 60 से ज्यादा 60 से ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इसका फर्क नहीं पड़ता, इसका ये फर्क पड़ता है। इट्स वैल्यू इज मोर, तो इफ इट्स वैल्यू इज मोर देन 60, इससे इस वाले सुपर सेल को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर आप क्या डाल सकते हैं? ओके, तो यहां पर इसका वैल्यू इट शुड बी मोर देन 36109 एंड 1, तो यहां पर 36 से ही करते हैं, 36190। तो इट इज मोर देन दिस, इट इज मोर देन दिस, सो देयरफॉर दिस इज अ सुपर सेल। ओके, ये तो ऑलरेडी कवर्ड है, राइट? तो यहां पर ये तीसरे सुपर सेल में फिलअप करते हैं। तो यहां पर हो गया, तो उससे पहले लेट्स डू वन थिंग, इन दोनों को फिलअप कर देते हैं। तो यहां पर लेट्स से इसका वैल्यू कम होना चाहिए इससे भी। तो यहां पर अगर मैं 10,369 इसके आजू बाजू इसका दूसरा लगाता हूं, 10,693, ये 963 को ही चेंज करना है, और यहां पर लगा देता हूं 10,639, ये 6, 3 और 9 डिजिट्स को ही चेंज करना है। एक में 369, एक में 639, एक में 693, राइट? तो आप देखेंगे कि ये 963 इन तीनों से बड़ा है, करेक्ट? नाउ यहां पर आप डालेंगे, यहां पे तो कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बिकॉज इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस। सो लेट्स से 1639, और यहां पर आएंगे तो इसका वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर 39016 एंड 36019। ओके, तो इस तरह से देखेंगे। सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ सुपर सेल, दिस ऑल्सो बिकम्स अ सुपर सेल। सो द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल, अभी आप इस पूरे टेबल को देखिए, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर? आप देखेंगे बिगेस्ट नंबर ऑब्वियसली इट विल बी द वन विद दिस वन, सो इट विल बी 96310 इज द बिगेस्ट नंबर इन दिस पर्टिकुलर सेल। इसके बाद हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर, जल्दबाजी में, टेंशन में इवन वर्ड वगैरह को मिस नहीं करने का। तो इसमें स्मॉलेस्ट इवन का मतलब कौन सा है? इसमें ये है इवन, इसमें इवन कौन से हैं बाबा? ये इवन है, ये इवन है। ओके, तो ये इवन है, तो इसमें से सबसे तो 36 तो कट गया, ये वाला भी रूल आउट हो गया, ये वाला भी रूल आउट हो गया, तो हमको इसमें से और ये वाला भी रूल आउट हो गया, तो हमको मिला कौन सा? 19306 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ओके, ये बिगेस्ट इवन नंबर होता तब भी यही होता, बिकॉज ये इवन नंबर ही है। ओके, देन तीसरा है स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000। स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, तो उसमें हम 16, 10, 13 वगैरह को तो ऑब्वियसली काउंट नहीं कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर 90s वाला भी नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास 60s वाले हैं। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 हो जाता है 60,193। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आई एम रियली होपिंग कि आप जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया बच्चों? आगे चलें। अगर सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दो, बिकॉज पूरा कोर्स इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स आपके लिए क्लास 6 के लिए यहां पर कवर किए जाएंगे। वी स्टार्टेड पुटिंग आउट सम टेस्ट पेपर्स ऑल्सो, तो पूरी तैयारी हो जाएगी आपके अगले एग्जाम और जितने भी एग्जाम्स वगैरह हैं, सभी के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहां पर दी जा रही है। नाउ लेट्स कम टू 3.3। ओके, 3.2 तक समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं 3.3 पर। मैं नोट्स निकाल के लिख लेता हूं ताकि मुझसे गलती ना हो कहीं पर, ये आसान है। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से है कि नंबर्स हैं 2180, 2754, 1500 वगैरह वगैरह, और यहां पर एक स्केल बनाया है 1000 से लेकर 10000 तक। और यहां पर आपको बताया है कि अगर 2180 अगर आप देखेंगे तो इसको कहां पर मार्क करेंगे? वो होता है ना, अगर आप प्लेस ए टू प्लेस बी जा रहे हैं, प्लेस ए आपको बताया गया है ये 500 किलोमीटर पर है, प्लेस बी 1000 किलोमीटर पर है। ओके, लेट्स से लाइक दिस, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ओके मैं वेरी अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं। दिल्ली है 0 पर, मुंबई है 1000 पर, बीच में आपको जयपुर पर रुकना है और आपको बोला गया है कि जयपुर इज 300 एट 300। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर दिल्ली 0 पर है और मुंबई 1000 पर है तो ये दिल्ली हो गया। ओके, दिस इज दिल्ली, दिस इज मुंबई, ओके इट इज एट 1000। और आपसे कहा गया कि जयपुर 300 पर है, वहां पर तुमको रुक के खाना खाने का है। सो इसमें से अगर आप देखेंगे तो 500 विल कम समवेयर हियर, सो 300 विल बी समवेयर हियर, सो दिस विल बी योर जयपुर। Understood, right? So the same way we have to mark in this particular this thing. तो यहां पर आप देखेंगे 2000 का 2180 यहां पर मार्क किया गया है, right? It is somewhere in the middle there कि आपको एक अंदाजे से मार्क करना है कि यहां पर मार्क होगा, okay? So it is getting marked out here, okay? 2754 ये 2500 है, ये 2000 है, 3000 है, तो 2500 यहां पर है, तो 2754 विल बी समवेयर इन द मिडिल बिटवीन 2500 एंड 3000, राइट? आगे चलते हैं। सो 2180 कर दिया, 2754, 1500 कहां पड़ेगा? 1500 तो ऑलरेडी यहां पर मार्क्ड है, ये वाला पोर्शन विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 1000 एंड 2000। ग्रेट। 3600, 3600 यानी कि 3000 और 4000 के बीच, सो बीच वाला पोर्शन होगा 3500, सो 3600 ये वाला होगा 3600। मैंने 3500 इसलिए मार्क किया ताकि आपको अंदाजा हो जाए, यू नो हाउ टू मार्क इट। अगर आप इसको यहां पर मार्क करेंगे तो क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा, उसके साथ आप ऑमलेट बना सकते हैं। ओके, सो 3600, सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट दैट वन मार्क और यू वांट एन ऑमलेट। ओके, अब ये मत कहना कि ऑमलेट इज मोर न्यूट्रिशियस। 9950, तो 9000 और 10,000, तो दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू 10,000, सो इट विल बी लाइक वेरी क्लोज, यहां के बिल्कुल क्लोज में रहेगा 9,950, 9,590, 590 मतलब 9,500 के आगे, ऑलमोस्ट 9,600, तो 9,500 अगर यहां पर होगा, सो 9,950 इट विल बी समवेयर हियर, ओके। 1050, 1050 कहां पड़ेगा? 1050 विल बी जस्ट हियर, ओके बिल्कुल बहुत ही पास में, ओके ये तो ऑलमोस्ट 1100 की तरह हो जाए, 1050 विल बी समवेयर हियर। देन 3050, 3050 अगेन बिल्कुल क्लोज। 5030, 5030 तो बिल्कुल ही क्लोज, मेरा ये पेन ज्यादा शार्प नहीं है तो इसलिए थोड़ा मोटा लाइन आ रहा है, सो इट विल बी वेरी वेरी क्लोज, उसको टच मत करने देना। 5300, तो 5500 अगर यहां पर है तो 5300 यहां पर रहेगा, ओके ये वाला रहेगा 5300। फाइनली 8400, 8400 यहां पर पड़ेगा। समझ में आ गया? दिस इज क्लियर, इसमें गलती नहीं होगी, गलती होगी तो खबरदार खबरदार, गलती नहीं करने का। ओके अभी आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइंस बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। तो यहां पर क्या है? 2010 दिया है, 2020 दिया है साल, ओके तो उसमें और दूसरे कौन से होंगे? इससे ये वाला कौन सा होगा? इससे अगला ये हो गया 2030, ये हो गया 2000 और ये हो गया 1990, तो ये हो जाएगा 1995, ये हो जाएगा 2005, ये हो जाएगा 2015, ये हो जाएगा 2025 और ये हो जाएगा 2035। क्लियर? इज दिस क्लियर? ग्रेट। नाउ ये वाले नंबर्स यहां पर कितने से बढ़ रहे हैं? यहां पे तो 5-10 साल से बढ़ रहे थे, यहां पर एक नंबर से बढ़ रहा है। सो 9996, सो 9995, 9994, 9993। अंडरस्टूड? आगे उस तरफ क्या होगा? 9998, 9999, देन ये हो जाएगा 10,000, ये होगा 10,001, ये होगा 10,002। क्लियर? डाउट? नो डाउट? आगे चलते हैं। इसमें देखिए किस तरह से किया है। शुरू के 2 डिजिट्स दिए हैं और बीच में 1 डिजिट दिया है, तो इससे यहीं से शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो ये तीसरा हो जाएगा 15,079, ये होगा 15,080, ये 81, ये 82, 83 दिया हुआ है, 15,084, 15,085, 15,086 पूरा लिखना है। मैंने यहाँ पे जगह कम है इसलिए करके लिखा है। सो यू हैव टू राइट 15। कैसे लिखना है मालूम है? 15 के बाद ये कॉमा आएगा, उसके बाद 083। ओके, अभी 15,083 लिखेंगे तो 15,083 नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जीरो का वैल्यू नहीं होता है सर, नो, जीरो का वैल्यू होता है। तो इसीलिए 15,083 को ही लिखना है। 15,083 इज नॉट द सेम एज 1583, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, लास्ट वन 86705, इसमें कितना बढ़ रहा है? इज इट इंक्रीजिंग बाय 1 और 10 और 100 और 1000? देखिए ना, यूनिट 10, 100, 1000, तो यहां पर कितने में बढ़ रहा है? 6 का 7 हुआ। सो द नेक्स्ट वन विल बी 88705, 89705, यहां पर 9705, 91, 92, यहां पर कैसे होगा? 85,705, 84,705, 83,705, 83,705। कॉमा की जरूरत है बंधु, कॉमा के बिना नहीं लिखना। ओके, समझ में आ गया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। पुट ए सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स। सो जो भी सबसे छोटा है उसके अराउंड यू हैव टू पुट ए सर्कल, और जब सबसे बड़ा है उसके अराउंड बॉक्स डाला है। ओके, वो भी आप कर दीजिएगा। अभी 3.4 पे आते हैं। प्लेइंग विद डिजिट्स, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 digits, 3 digits, 4 digits and 5 digits। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? क्या करना है? कुछ समझ में आया? इसका मतलब यह है कि 1 to 9 काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए? 9 सिंगल डिजिट्स। 10 में तो कितने हैं? डबल डिजिट्स हैं, तो सिंगल डिजिट्स कितने हुए? 9 सिंगल डिजिट हुए, वही यहां पर लिखा है। 2 digits नंबर यानी कि 10 से लेके 99 तक, 100 क्या हो जाएगा? 3 digit नंबर हो जाएगा। सो 10 से लेकर 99 तक तब जब जाएंगे तो कितने 2 digits नंबर बनेंगे? 99। सिंपल एरिथमेटिक कीजिए ना, 100 99 minus 9, तो 90 नंबर्स। यहां पर 100 से लेके 999 तक, यानी कि 100 से लेके 999 तक, ये हो जाएगा 10 से लेके 99 तक। तो यहां पर हो जाएंगे, गलती कर रहा हूं मैं, 90, ये 900, ओके सॉरी, 90 और ये हो गया 900, ओके 900, और ये हो जाएगा 9000 डिजिट्स। ये कैसे होंगे? 4 digit नंबर्स, what will be the 4 digits numbers? 1000 to 9999. Clear? Okay. 90, 900, 9000. Okay, and 90,000. That is, there are 90,000 digits which are 5 digit numbers. So, इस तरह से count करते हैं. Minus करके you can count the thing. Similarly, यहाँ पर 10,000 से लेकर 99,999. ओके उसके बाद इट विल गो इनटू 1 लाख। सो दिस इज द वे इट इज टू बी कैलकुलेटेड। डिजिट सम ऑफ नंबर्स। कोमल ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एड्स अप डिजिट्स ऑफ सर्टेन नंबर्स द सम इज द सेम। फॉर एग्जांपल, एडिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 68 विल बी द सेम एज एडिंग द डिजिट्स ऑफ 176 और 545। क्या बता रही है? 545 को काउंट करो, 5 + 4 9, 4 + 5 14, करेक्ट। 6 + 8 14, 1 + 7 + 6, 1 + 7 कितना हुआ? 8, 8 + 6 14, सबका ही 14 आ रहा है। तो ये उसने पाया कि इन तीनों में 6 + 8, 1 + 7 + 6, 5 + 4 5, ऑल ऑफ देम आर कमिंग टू 14। सो राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स एड अप टू 14। ओके, तो आप लिख सकते हैं 95 या 59, 9 + 5 विल बी 59. You could write 77, 7 + 7 is 77, 86, 8 + 6 जो उसका उल्टा हो जाएगा। इवन 3 digits में आप लिख सकते हैं 3 + 8 + 3, 383 will be equal to 14। तो कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिससे कि उसका नंबर फाइनली बनता है डिजिट सम 14। What is the smallest number whose digit sum is 14? सबसे छोटा ऐसा कौन सा सम है जिसका कि नंबर विल बी 14। नाउ यू टेक लाइक दिस, इसको सोचने का, इसका कॉमन सेंस से सोचो। और मैं मैथमेटिक्स को कॉमन सेंस के साथ ही आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको आसानी होगी। फॉर्मूले से पढ़ाना बहुत आसान होगा, फिर आप बैठ के फॉर्मूले को रटते रहेंगे, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन छठी क्लास में ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस, आप पाएंगे कि तब इट इज मच मोर फन टू डील विद ए सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स। तो इसमें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। तो अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे स्मॉलेस्ट नंबर सोचता हूं, 2 सोचता हूं, लेकिन आपको क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम। लेकिन 2 के बाद आपको 12 डालना पड़ेगा, तो नंबर क्या हो जाएगा? 212। 212 छोटा नहीं है बंधु। अगर आप 3 के साथ करेंगे, आप सोचेंगे 3 के साथ करता हूं, 311, यानी कि 311 करेंगे, उसके बाद ही आप 14 तक पहुंच पाएंगे, राइट? 311 का भी नहीं होगा, राइट? तो एक्चुअली इट विल नॉट वर्क, इट विल बी 2 + 1 + 2, सो दैट विल बी ओनली 5। 3 + 1 + 1 विल ऑल्सो बी 5, सो इट डजंट वर्क। सो द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल एक्चुअली एड अप टू दैट विल बी 59। 5 + 9 = 14. This will be the smallest number whose total will add up to 14. What is the largest 5-digit number? Now, आपसे 5-digit number पूछा है, तो 5-digit number सिर्फ 14, ये कैसे हो सकता है? तो मैं क्या करूं? 8 + 7 ऐसा कुछ करूं क्या? No, आप अब यहां पर 0 की वैल्यू का काम आता है, लेकिन क्योंकि आप जब 0 डालेंगे तब आप कितने भी 0 डाल सकते हैं, लेकिन वो एडिशन में टोटल सम पर किसी भी तरह का फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे? द लार्जेस्ट 5-digit नंबर कैसे क्या होगा? अभी यहां पर हमने देखा कि 5 + 9 is 14, तो क्या आप 59,000 लगा सकते थे? या 59,000 बड़ा नंबर है, लेकिन उससे भी बड़ा नंबर क्या होगा? 95,000। ओके, अगर आप इन तीनों को, तो यहां पर 9 + 5 = 14 हो गया, +0 + 0 + 0 स्टिल इक्वल्स टू 14। सो दिस विल बी द लार्जेस्ट 5-digit नंबर। एक दूसरा तरीका है ऑफ फाइंडिंग दिस आउट। ओके, आई विल टेल यू ऑन दैट वन। तो दूसरा तरीका ऑफ डूइंग दिस इज बाय सब्ट्रैक्टिंग। थोड़ा कॉमन सेंस, लेकिन वो बहुत एलाबरेट। सबसे बड़ा 5-digit नंबर कौन सा है? करेक्ट है ना? तो इसमें अगर आपको कितना लाना है? आपको लाना है 14, तो आपको ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, ये बचा कितना? 9 + 9 = 18। तो इन तीनों को आप 0 कर दीजिए। तो इसमें से अगर आप 4 को हटाएंगे, -4, बिकॉज 4 ज्यादा है, तो ये रह जाता है, इसको 9 को 4 से हटाएंगे तो 9, सो 95,000। तो दिस इज अनदर स्लाइटली लॉन्ग वे ऑफ रीचिंग द सेम फिगर। तो ये सो दैट यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से उस पर पहुंचना है। ओके, कॉमन सेंस से और कैलकुलेशन दोनों से मैंने समझा दिया। हाउ बिग ए नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14? कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर? हाउ बिग अ नंबर, तो उसमें बिगर नंबर का क्या है? ये तो इंफिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि आप कर क्या सकते हैं? वॉट यू कुड पॉसिबली डू इज टू मेक इट सेम थिंग 95 और उसको 0 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 0। कितने भी 0 डाल दो। ओके, दैट कैन बी ए वेरी लार्ज नंबर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी ना, 0 से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन उसका एडिशन में सम पर किसी तरह का फर्क असर नहीं पड़ रहा है। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, दिस इज 95 billion trillion समथिंग, बट when you are doing the addition of the numbers, the addition of the numbers will be only 9 + 5, because 0 is not making any difference to it. So this is how you can do it. So how big a number? It can be 95 with infinite number of zeros. Find the digit sum of all the numbers from 40 to 70. अब ये कैसे करेंगे? 40 to 70 के लिए आप कैसे करेंगे? I mean, this is like long this thing. No, you will do 4 + 0. 4 4 + 1 5 4 + 2 6 4 + 3 7। उसी तरह से 5 + 1 6 + 1 6 + 5 7 दिस थिंग फ्रॉम 40 to 70 आप सभी के एडिशन। तो आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एडिशन की स्पीड बढ़ेगी, आपको बैठ के काउंट नहीं करना पड़ेगा कभी। शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द क्लास। ओके, कैलकुलेट द डिजिट सम्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5। डू यू सी अ पैटर्न? विल दिस पैटर्न कंटिन्यू? व्हाट इज बीइंग सेड? ये इंटरेस्टिंग है। ओके, मैं इसको दूसरे में करता हूं। तो इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, कहा क्या गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द डिजिट सम्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव, फॉर एग्जांपल 345। तो 345 मींस 3, 4, 5। तो यहां पर कैसे शुरू हो रहा है, लेट्स स्टार्ट 1, 2, 3। तो कैसे करेंगे, 1 + 2 + 3। ओके, ये हो गया 6। ओके, उससे नेक्स्ट क्या होगा, 2 + 3 + 4, 7 + 2, 9। एग्रीड? 3 + 4 + 5, 9 + 3, 12। पैटर्न दिख रहा है? 4 + 5 + 6, 11 + 4, 15। पैटर्न बनता दिख रहा है, यस और नो? 5 + 6 + 7, ये कितना हो गया, 11 + 7, 18। आर यू एबल टू सी ए पैटर्न? और आगे करो, 6 + 7 + 8, 21, 7 + 8 + 9, 24। सो ये क्या हुआ, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इसका क्या मतलब है, देयर इज अ डिफरेंस, इट्स इंक्रीजिंग बाय 3 एवरी टाइम। 9 - 6, 3, 12 - 9, 3, 15 - 12, 3, 18 - 15, 3, and go so on, right? So there is a difference, increases by 3, and this will continue, and this will continue. आगे चलते हैं, next question क्या है? Okay, next we are going into digit detectives. जासूसों की बात होने वाली है अभी। Okay, यहाँ तक समझ में आ गया। digit detectives पर जाते हैं। After writing numbers. After writing numbers from 1 to 100, Dinesh wondered how many times he would have written the digit 7. अभी उसने सोचा कि मैंने 7 नंबर कितनी बारी लिखा होगा। 7, 1799, 7041, 676, 237, 57, 877। ये 100 की बात हो रही है, तो ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला भी नहीं, only 571, बट कितनी बारी लिखा होगा? Among the numbers 1 to 100, how many times will the digit 7 occur? Among the numbers 1 to 1000, how many times will the digit 7 occur? तो ये पूछा गया है। Okay, so in the unit place 7 will be 10 times. कैसे? तो अगर आपसे पूछा जाए in the unit place it will be 7, 17, 27, 37, 47, उस तरह से ये होगा 10 बारी। 10 times it will be in the unit place. In the tens place कितनी बारी होगा? 70, 71, 72, कहां तक? 79 तक, right? तो ये हो गया 10 times, right? So 10 times, ये 10 times, ये भी 10 times, so ये कितने हो गए? 20 बारी, right? So 20 times the digit 7 will occur when you are counting from 1 to 100. 1 to 1000 में कितना होगा? 1 to 1000 में you will have it 100 unit place में it will be 100 times, so it will be 100 times in unit place, 100 times in tens place, and 100 times in the unit tens and hundreds के place में, so total हो जाएगा 300 बारी। 300 बारी the digit 7 will occur when you are mentioning it between 1 and 1000. So that will be the calculation as far as 7 digit is concerned between 1 and 1000. So ये हो गया 3.4 तक। ये let's stop here. Actually we'll do it in 3 parts. Okay. So ये 3 ये हो गए आपको। I hope understood, because मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। Then we will think अरे इतना लंबा वीडियो है कौन देखेगा। तो but I hope I'm deliberately going slow ताकि ये पूरा आपको सीमेंट लग जाए। Okay. ईंट के ऊपर सीमेंट लगा के, ताकि यू आर द बेस फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। दैट इज द आइडिया। तो आई होप यहां तक पूरा समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट वी विल गो इनटू पैलिंड्रोम, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट 3-4 यूनिट्स आर रिलेटिंग टू पैलिंड्रोम तो मैं उसको एक साथ करना चाहता हूं। ओके, पैलिंड्रोम इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, उसके बारे में पढ़ने में काफी मजा आएगा। सो कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।